अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दूसरी आप लोगों के लिए समर ड्रिंक लेके आई जिसका नाम है मैंगो फ्रूट। आई होप कि आपने मेरी पिछली वाली समर ड्रिंक जरूर देखी होगी जिसका नाम है पुदीने का शरबत। और पिछली समर ड्रिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। और ये वो जूस है जिसको आप डब्बे का जूस भी कहते हैं, लेकिन हमारे से फ्रेशली घर में बनाएंगी, होम मेड बनाएंगी, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। तो आज हम बना रहे हैं जी मैंगो फ्रूटी। तो मैंगो फ्रूटी के लिए हमने लिया 1.5 लीटर पानी और उसे हमने डाली है तकरीबन 1.5 पाव के करीब चीनी। तो इस चीनी को हम अच्छे से पकाएंगे। ये है हमारे तकरीबन 1.5 किलो ही मैंगो है हमारे। तो अभी तो जब हमने अपनी वीडियो तैयार की थी तो थोड़े स्टोर के मैंगो थे, तो इसलिए इतने ज़्यादा येलो नहीं थे, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत येलो मैंगो थे जब उनका छिलका उतारा गया। तो ये हमने सारे छील लिए हैं और ये रॉ मैंगो है, कच्चे आम। तो इसका भी सीज़न मार्केट में आ चुका हुआ है। तो आप इस 2 मैंगो को लें और उसको 2 कच्चे आमों को और कैरियों को और उनको भी छील लें। तो इस सारे आम को काट के हमने और उस चीनी वाले पानी में हमने इसे डाल दिया और इसको हम अच्छे से कुक करेंगे। और जैसे ही अच्छे से पकने लगेगा ताकि जो सा हमारी कैरियाँ हैं, जो कच्चे आम हैं, वो भी अच्छे से गल जाएँ, क्योंकि जो मीठे वाले आम हैं वो तो सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें हमने डाला 1 टीस्पून सॉल्ट। तो इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। सॉल्ट डालने से थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और इसको अच्छे से पकाएंगे हम। तो ये जब मैंगो फ्रूटी बनके तैयार हुआ और ये बहुत मज़े का बना, आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के पिलाएं, बजाय ये कि आप बाज़ार के ख़राब फ्रूट्स का आप बच्चों को मिल्क जूस पिलाएं। तो हमने जो इसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं, अगर आपने फौरी से इस्तेमाल करना है तो आप उसमें नहीं डालें। ये हम थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 चुटकी हम टाटरी डाल रहे हैं। अगर आपने फ़ौरन से इसे इस्तेमाल करना है सारा, तो आप इसमें टाटरी वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना डालें, क्योंकि खट्टे आम से ही आप तकरीबन 4 से 5 दिन अपने, तकरीबन 1 हफ़्ता आप अपने जूस को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसने 1.5 माह के लिए स्टोर करना है तो फिर आप इसको ना आप टाटरी वगैरह सिरका वगैरह डालें, ठीक है। तो जैसे हमने टाटरी वगैरह डाल दिया है तो अच्छे से हम इसको पका रहे हैं। अब जैसे पक गया है तो हम इसे ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से ब्लेंड करना, अगर आप हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्स वाले जो सा जग होता है उस मशीन से आप करें। और इसको अच्छे से इसकी, ताकि जितनी भी गुठली हैं जो मैंगो हैं कच्चे वाले और दूसरे वाले मीठे वाले, वो अच्छे से मैश हो जाएं। तो जैसे ही अच्छे से मैश होंगे तो फिर हम इसको स्टेन करेंगे। तो जैसे हम स्टेन करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, जैसे मैंगो के अंदर बाल वगैरह होते हैं तो वो ना हो, ठीक है। जब वो बच्चों के मुंह में आते हैं तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको स्टेन कर रहे हैं और अच्छे से हम इसको छान लेंगे, ठीक है। बारी बारी करके हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको स्टेन किया। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा सारा आराम से निकल गया, कोई मुश्किल पेश नहीं आई है। तो जितना भी हम एक्स्ट्रा था सारा, वो इसका जो बाल वगैरह थे बच्चों के मुंह में ना आए, वो सब निकल गए। यहाँ पे हमारा जो फ्रूटी जूस था तैयार हो चुका है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सुबह निकल चुकी हुई थी, तो नायाब कहती है कि जिससे थोड़ा सा कैप्चर करें। तो फिर मैंने बच्चों को बना के दिया जूस। तो आपने लेने आइस क्यूब्स डालने हैं और इसमें डालेंगे हम अपना जूस जो हमने फ्रूटी जूस बनाया है। और अगर आपको इसमें लगे थोड़ी सी, अगर आपको चीनी तेज़ लग रही है, तो आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमने बर्फ़ डाल दिया, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और एक्स्ट्रा हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है और मीठा ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। और पानी डाल के इसको चम्मच के साथ हम इसको मिक्स करेंगे और बच्चों को जैम स्लाइस साथ बना के दें और बच्चे नाश्ता करें, इंजॉय करें और आप भी बनाएं। और हमें दुआओं में याद रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें जी, यहाँ हम करते हैं थोड़ी सी अच्छी बात। तो अच्छी बात मेरी उन बच्चियों के और उन बच्चों के लिए पैगाम है जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं। तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एतमाद, दोस्ती और मोहब्बत। अगर एतमाद होगा तो दोस्ती होगी, और जब दोस्ती होगी तो मोहब्बत होगी। तो पहले अपने रिश्तों को, अपनी मियाँ बीवी को, एक दूसरे को एतमाद मिलें, एतमाद उनको दें अपना, फिर उनके साथ दोस्ती करें और फिर मोहब्बत करें। आप लोग डायरेक्ट मोहब्बत करते हैं तो वो फिर सारी ना टाइम टाइम फिश हो जाती है। इसलिए अपने रिश्तों को एतमाद और दोस्ती दें। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी और आपकी अच्छी बात बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहीं से वीडियो को एंड करते, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।